हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मज़े मज़े के खाने। तो आज हम बनाएंगे मज़े मज़े की मिठाई, वो भी विदाउट घी, विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट बॉर्डर मिल्क, विदाउट बटर। आप सोच रहे होंगे कि ये इन सब चीज़ों के बिना मिठाई बनने वाली है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम इन सब चीज़ों के बगैर मिठाई बनाएंगे, वो भी इतने मज़े की मिठाई होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होगा कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिठाई के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें सबसे पहले हमें चाहिए पिसा हुआ खोपरा। ये 1 कप लिया है मैंने पिसा हुआ खोपरा। 1/2 कप पाउडर शुगर ली है, ये मैंने घर में ही पीसी है। चीनी को लेकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। 1/2 कप मैंने दूध लिया है। अगर मुझे दूध की ज़्यादा ज़रूरत हुई तो मैं उसी वक्त कुकिंग करते वक्त आपको बताऊंगी कि कितना दूध जाएगा। वैसे मैंने 1/2 कप लिया है। और ये मैंने बारीक बारीक पीसे हुए मैंने बादाम लिए हैं, मैंने बारीक बारीक इसको पीस लिया है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई दूसरा ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, वनीला एसेंस। और ये मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है, आपको जो फूड कलर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। रेड कलर भी ले सकते हैं और ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं। और ये लेकिन कलर से बहुत अच्छा लगता है। और ये 2 कलर में मिठाई बनेगी। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में 1 कप पिसा हुआ नारियल ऐड कर देंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसमें मैंने जो 1/2 कप दूध लिया है वो ऐड कर देंगे। और इसको 1/2 कप दूध जो है मिलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है। मुझे दूध कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच जितना दूध और ऐड करूँगी। अगर आपको भी कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और अब ये थोड़ा लिक्विडी सा हो जाएगा। ये देखिए अभी थोड़ा लिक्विडी हो गया है। अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाऊंगी दूध के साथ नारियल को। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, अच्छे से पका लिया है चारों तरफ से एकदम। ये इसका दूध जो है वो नारियल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और खुश्क हो जाना चाहिए। अब ये देखिए खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी, पिसी हुई चीनी जो मैंने 1/2 कप ली थी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1/2 कप की क्वान्टिटी जो है वो बिल्कुल सही होती है। अब ये जो है मैं चीनी के साथ इसको नारियल को अच्छे से पका लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और ये देखिए अब मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई किया है। नारियल का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे नारियल का कलर चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जो जिसका फ्लेवर आपको पसंद है आप वो एसेंस ऐड कर सकते हैं। मुझे वनीला एसेंस का फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है। और इसको अच्छे से अब मैं मिक्स कर लूँगी, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर हमने इसको सही से नहीं पकाया तो ये हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। इसमें जो मैंने चीनी डाली थी उसका अच्छे से खुश्क हो जानी चाहिए वो सारा, क्योंकि थोड़ा सा चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी, क्योंकि ये हमने लो फ्लेम पे पकाया है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अब ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और अब मिक्स करने के बाद अब ये ऑलमोस्ट जो है मेरा ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसको 1/2-1/2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। हाफ़ में मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और 1/2 को जो है मैं वाइट ही कलर का रखूँगी। वाइट कलर वाली फिलिंग जो है वो हमारी अंदर होगी और ग्रीन कलर वाली फिलिंग जो है वो बाहर होगी। और आप चाहें तो इसमें पिंक कलर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर क्वीस जो हमारा सिरप होता है वो भी ऐड कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो इसमें पिंक कलर चाहते हैं तो रूह अफ़ज़ा ऐड कर दीजिएगा। और मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड कर दिया है। ये देखिए मेरे को ग्रीन कलर पसंद है इसलिए मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी का जो कलर पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। आप ऑरेंज कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन और पिंक कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इस कलर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये सारे तरफ इसका कलर जो है वह इक्वल आ जाना चाहिए। चारों तरफ बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, कलर को कहीं से भी वाइट नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारी ये ऊपर आएगी फिलिंग। अगर कहीं से वाइट और कहीं से ग्रीन रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी देखने में। मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया है। ये देखिए ऑलमोस्ट अब मेरा मिक्स हो चुका है। अब मैं इन दोनों वाइट और ग्रीन दोनों मिक्सचर को ठंडा करूंगी पहले थोड़ा। अब ये वाइट फिलिंग में मैंने पिसा हुआ बादाम
ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बादाम जो है इसमें वाइट कलर का है इसलिए मैंने, मेरे को वाइट फिलिंग में ऐड करना है अंदर वाली, इसलिए मैंने इसमें बादाम ही ऐड किया है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बादाम और नारियल दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें बादाम और नारियल दोनों एक जान हो जाना चाहिए। और मेरे को बहुत अच्छे से इसको इतना मिक्स करना है कि एकदम ये डो की तरह बन जाएगा मिक्स होने के बाद। और अब ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये देखिए एकदम लिक्विडी सा एकदम डो की तरह बन गया है। अब मैं वाइट वाला मिक्सचर 1 टीस्पून जितना लूँगी, मैंने अंदाजे से 1 टीस्पून जितना लिया है। अगर आप चाहते हैं सब बॉल एक साइज़ की बने तो आप 1 टीस्पून ले लें और उसकी मदद से ले लीजिएगा। और इसको अब मैं गोल गोल बॉल का शेप दे दूँगी, इसी तरह मैं सब बॉल तैयार करूँगी। और इसी तरह मेरे को छोटी छोटी सी छोटे साइज़ की बनानी है, बड़ी नहीं बनानी है क्योंकि हमें इसके ऊपर ग्रीन वाली कोटिंग भी करनी है तो हमारी बॉल का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए मैंने बॉल तैयार कर ली है वाइट वाली। अब मैंने जिसमें ग्रीन कलर ऐड किया था वो वाला कोकोनट लूँगी और इसको लेने के बाद मैं अच्छे से इसको देखिए गोल गोल राउंड करूँगी। देखिए कितना अच्छा सा मेरा जो है बाइंडिंग हो गया है। अब इसको मैं हाथों पर फ्लैट कर लूँगी, अच्छे से हथेली पर अच्छे से फहरा लूँगी। अभी देखिए मैंने अच्छे से फहरा लिया है, इस पर मैंने व्हाइट वाला कोकोनट का जो बॉल बनाया था वो रख दूँगी और इसको अच्छे से पैक कर लूँगी। और इसको बहुत अच्छे से पैक करना है, जहाँ अगर आपको कम लगे तो आप और भी ले सकते हैं। इसको चारों तरफ से अच्छे से ढक देना है आपको। ये देखिए मैंने चारों तरफ से अच्छे से इसको पैक कर लिया है, कवर कर लिया है चारों तरफ से। अब ये पैक हो गया है, इसको मैं अच्छे से शेप दे दूँगी। इसको लड्डू का शेप देना है गोल गोल। अब देखिए मैंने हाथ से राउंड राउंड बॉल की तरह इसको लड्डू का शेप दे दिया है। और इसी तरह मैं सारे कोकोनट लड्डू रेडी करूंगी। देखिए मेरे सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं और अब इसको मैं बादाम से डेकोरेट करूंगी। अगर आप चाहें तो इसको कोकोनट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़े थोड़े से बादाम रख दिए हैं सब पर। देखिए मैंने सब पे बादाम डेकोरेट कर दिए हैं और मेरे कोकोनट लड्डू जो है वो रेडी हो गए हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं और बहुत आसानी से सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाते हैं और ये आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। आप इसको किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं, ईद पर भी बना सकते हैं, आप किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं इसको। और मैंने इसको पेपर कपकेक के जो मॉल मिलते हैं मैंने उसमें इसको डेकोरेट किया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं डेकोरेट। और ये अगर आप इसमें आप इसको डेकोरेट करेंगे तो ये है कि आपके बच्चे खाने में गिराएंगे नहीं और जो है उनको हाथ में लेने में भी बहुत आसानी होगी। और ये देखिए मैं इसी तरह सारे सर्व कर लूँगी और अब आपको मैं डेकोरेट करके दिखाऊंगी। मैंने कोकोनट लड्डू को सर्व कर लिया है। ये बहुत ही मज़े के होते हैं खाने में और आप इसको किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं और ये आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। और ये अगर आप हलवाई की दुकान से ख़रीदेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी और घर में बहुत आसानी से और सस्ते में बन जाएगी आपकी ये रेसिपीज। और ये कोकोनट लड्डू बहुत ही कम वक्त में भी तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ये अंदर से वाइट कलर के होंगे और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। देखिए लग रहे हैं ना एकदम यमी से, तो जल्दी से लाइक कर दी मेरी वीडियो को। अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ ये खाने में कैसे हैं। बहुत ही मज़े के हैं, तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगे।